हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर गाइस। बहुत दिन बाद आए हैं, बहुत टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूं। आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा गाइस। तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूं कि हम लोगों का तो जॉम्बी मोड चला गया गाइस, तो अभी जो फ्रोजन मोड हम लोगों का बीजेएम में न्यू अपडेट आया है, यहाँ पे टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिसको आप भी देख के बताना कि आप ये यूज़ किए हो कि नहीं, अगर यूज़ किया हो तो कैसा है। पहला तो मैं आपको यही बताऊंगा गाइस, वेयर टू लैंड ये कोई नहीं बताएगा। आप लोग यहाँ पे स्टॉल बर्ड में जा ही सकते हो, पर जाके पहले ही मर जाओगे। पर आप लोग अगर ये छोटे छोटे जो घर दिख रहा है ना, यहाँ पे अगर आप जाओ तो आपको सेम लूट मिल जाएगा जैसे आपको स्टॉल बर्ड में मिल रहा है गाइस। अब आता है सेकेंड टिप्स के बारे में। तो सेकेंड जो ट्रिक्स है गाइस, वो यही है कि आप लोग ये जो स्नो रेल है, ठीक है, ये स्नो रेल आप लोग यूज़ करते हो कहाँ कहाँ पे। एक तो स्टॉल बार पे आपको मिलता ही है, पर यहाँ पे आने के बाद सर्वाइव करना उतना आसान है नहीं भाई। तो ये जो स्नो रेल है, और ये कहाँ पे मिल सकता है, ये मिल सकता है आपको मिलिट्री बेस में, ठीक है, जिसका वीडियो मैं नहीं बनाया। आपको ये स्नो रेल मिल जाएगा वाटर सिटी में भी, ओके। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो और घूम सकते हो, मज़ा ले सकते हो इसका। अब थर्ड टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जो है कि स्नोबॉल ब्लास्टर। अब ये स्नोबॉल ब्लास्टर आपको मिलेगा कहाँ पे, ठीक है, एक आपको मिलेगा वही स्टॉल मार्ट में जाके, नहीं तो मैं बोला कि जो छोटा छोटा घर है वहाँ पे जाओ। तो वो छोटा छोटा घर में जाने के बाद आपको वो स्नोबॉल ब्लास्टर जो गन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब वो यूज़ आप लोग कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे उठा लिया स्नोबॉल ब्लास्टर वो छोटे छोटे घर पे आने के बाद। अब इसका बहुत यूजेज है गाइज, विदाउट दिस गन आपको बहुत कुछ जो है सुविधा बोल सकते हो वो इस गेम में नहीं मिलने वाला। ये फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स है, इसी आइस को आप लोग अगर ड्रैगर यूज़ करते हो तो आपको लूट मिलने वाला है। अब आप अगर ड्रैगर की जगह गन यूज़ करते हो तो आपको स्पॉट कर सकता है एनिमी, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ ट्रिक्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बात कर रहा था कि यूज़ ऑफ स्नो ब्लास्टर्स। देखो ये स्नो ब्लास्टर यूज़ करके ऐसे आप ब्रिज बना सकते हो, ठीक है गाइस। ये यूज़ करके आप इस पार से उस पार जा सकते हो, पर मेरा यहाँ पे लक खराब था, ठीक है ना। मैं जब ये यूज़ कर रहा था, पीछे से बंदा आया, मेरे को धो डाला और मैं गया परलोक, ठीक है। इसी स्नो ब्लास्टर गन्स का और भी यूजेज है, जैसे आप लोग यहाँ पे ऐसे आप मार सकते हो, और जो है एनिमी का जो घर है उनका विंडो है वो आप बंद कर सकते हो, वो अंदर से आपको स्प्रे नहीं दे पाएगा। तो ऐसे आप शूट करके विंडोज़ तो बंद कर सकते हो, और इस विंडोज़ को जो है भाई तोड़ने में भी टाइम लगता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पे तोड़ने में टाइम लगता है, ठीक है। फिफ्थ टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आपको यहाँ पे स्केटबोर्ड मिल जाएगा, तो ये स्केटबोर्ड आप लोग यूज़ करके मौज मार सकते हो, इधर उधर जाके जंप वंप लगा सकते हो। वैसे आप लोग ये इंपॉर्टेंट है कि इसको यूज़ करके आप ट्रैवल कर सकते हो, है कि नहीं, एक जगह से एक जगह जा सकते हो। इसके साथ आपको यहाँ पे ये जो घोड़ा मिलेगा भाई, ये तो क्या ये बोला है, लकड़ी पे काठी, काठी पे घोड़ा। ये जो जंप किया ना गाइज, ये जंप करके ना आप लोग ऊँचा ऊँचा जगह चढ़ सकते हो, है कि नहीं। सोच करके देखो, मतलब आप सोच के देखो कि अगर ये घोड़ा आप यूज़ किए जिस जगह पे आप चढ़ नहीं सकते, है ना, जो बिल्डिंग्स पे आप जो जगह पे चढ़ नहीं सकते, तो जंप करके ना आप लोग उसी जगह पे चढ़ के वहाँ से एनिमीज को स्प्रे दे सकते हो। वैसे ये टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा होगा। उसके लिए आप लोग ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को। हाँ, आप लोग ये भी बताना कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स और भी है जो मैंने यहाँ पे बता नहीं पाया, उसका कमेंट जरूर करना। अभी आप लोगों को टाटा बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एट होम, और हाँ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।